नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया है, जिसका थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये बहुत बड़ा संदेश है, जिसे परिवार के हर सदस्य, समाज के हर तबके तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे घर घर पहुंचाएं, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हम सब प्रयास करें। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। साल 2017 में 1.47 लाख लोगों की कार दुर्घटना में भारत देश में मृत्यु हुई है, जो साल 2018 में बढ़कर 1.49 लाख हो गई है। ये बहुत दुखद समाचार है। हर साल भारत देश में 5 लाख से ऊपर सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें 62% 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें, उसमें हर 3 में से 1 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है, जो अनियमित गति से चलाने वाले वाहन चालकों के द्वारा होती है। सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है, ये हम सब जानते हैं। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, कम आयु के बच्चे गाड़ी चलाते हैं जिनके ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ये सब दुर्घटना को निमंत्रण देने का तरीका है। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किस तरीके से सड़क दुर्घटना को रोका जाए, इसलिए अभी मोटर व्हीकल एक्ट में भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कड़े जुर्माने का प्रावधान है। तो ये मेरी आप सबसे निवेदन है कि जिंदगी बहुत अनमोल है, आप इसे समझिए, इसके महत्व को समझिए। सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की जिंदगी जाती है, उससे पूरे परिवार को दुख होता है। अगर हम सब, समाज का हर वर्ग, हर इंसान ये प्रयास करे और हमारे प्रयत्न से अगर सड़क दुर्घटना कम हो सकती है, लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। इसलिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।